टेबल स्पून ऑलिव ऑयल तेल, जो कि हम पहले ही डाल चुके हैं, अब इसमें डालेंगे। वेट करें, तेल जब तक गर्म हो जाता है तब आपको ड्राई फ्रूट्स, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, उसको डाल करके उसको फ्राई कर लीजिए। ओके, तो मेरे पास बादाम है और कुछ किशमिश है, तो मैं उसको डाल रही हूँ। और मूंगफली भी है, लेकिन मूंगफली ऑलरेडी तला हुआ है तो उसको मैं अलग से ऊपर से डालूँगी, तो इसमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से फ्राई किया हुआ है। तो धीमी आंच तक इसको तले, अच्छी तरीके से तले, और जैसे इसमें हल्का लालपन आ जाता है तब इसको बाहर निकाल लें। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कलर आ गई है, रेड कलर, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इसमें अब अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जितना तेल डाला था शुरू में उसी तेल में हम लोगों को जीरा डालना है। ओके, तो हाफ टेबल स्पून जीरा लेकर के इसमें डालिए और भूनिए। फिर ये हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखा हुआ था, तो आपको 5 से 6 हरी मिर्च लेनी है। इसको तलिए लाल होने तक। आप इसमें कोई सा भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये थोड़ा लाल हो गया है, अब मैंने 100 ग्राम बीन्स काट के रखे हुए थे, तो इसको आप डालिए। आप लोग अपने हिसाब से जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। और ये रही गाजर, मैंने 4 बेसिकली गाजर को काटा है। तो ये सारी सब्जियां मिला करके आप लोग इसको तलिए। ओके, फ्राई करना है सारे वेजिटेबल्स को। तो मैंने बेसिकली बीन्स और गाजर लिया है, आप अलग से भी अलग वेजिटेबल्स डाल करके बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा हल्का कलर आया है, उसी बीच में आप नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, ताकि ये अच्छी तरीके से जल्दी पक जाए। इसको ढक के 4 से 5 मिनट ढक करके छोड़ दीजिए। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च हल्की सी, मिला लीजिए। फिर इसको 3 से 4 मिनट तक ढक कर छोड़ दीजिए, मसाला अच्छे से पक जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही सुंदर हो गया और हमारी सब्जी भी पक गई है। अब मैंने 2 कप, ये है मेरा कप। ओके, ये अराउंड आपका 100 ग्राम है जो सेवई है, तो सेवई को ऐसे ही डालना है आपको पूरा 100 ग्राम। फिर इसको अच्छी तरीके से चलाइए और सेवई पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है, आपका तुरंत पक जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसमें हम लोग ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पूरा ड्राई फ्रूट्स मैंने मिला दिया है, डाल दिया है। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। ओके, और इसको आपको कवर करके रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब ये ऑलमोस्ट पक के तैयार। अच्छी तरीके से चलाने के बाद इसमें 1 कप, ये 1 कप अराउंड 50 ग्राम का है, तो लाइक आपको 2 कप पानी डालना है, जो भी पानी के साथ मैंने मिक्स कर दिया है डाल करके, और जो भी का होगा तो या ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी इसको सर्व करने के लिए ये रेडी है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा कलर आया है, आप भी बनाएं अपने घरों में।
थैंक यू गाइस। तो ये बन गया आपका चार लोगों के लिए नाश्ता।